Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जन्नत मिर्जा, अलीशा पांजुम और साहिर मिर्जा तीनों की मंगनी टूटने के पीछे रीजन। तीनों बहनों की एंगेजमेंट टूट चुकी है। जन्नत मिर्जा जो कि पाकिस्तान की नंबर वन टिकटॉक स्टार है और उमर भट्ट भी टिकटॉकर हैं, 2017 में ये लोग लाहौर में ऑफिशियली मिले थे मीटअप पे। उसके बाद 2019 में अली भट्ट की बर्थडे पार्टी पर जन्नत मिर्जा ने कहा कि उन्होंने कन्फेस किया था कि मैं आपको पसंद करती हूँ, और 2019 से इनका रिलेशनशिप स्टार्ट है और 2021 में इन लोगों की ऑफिशियली घर में भी बात हो चुकी थी और इन लोगों की बात पक्की हो गई थी। सो इनकी मंगनी तो नहीं हुई प्रॉपर अभी, लेकिन उसके बाद से ही उमर भट्ट ने ऑफिशियली पोस्ट कर दिया कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, जन्नत और मैं हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग साथ में नहीं हैं। सो मैं चाहता हूँ आप लोग हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखें। इस ब्रेकअप को भी काफ़ी ज़्यादा महीने हो गया। इससे पहले उमर और जन्नत की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती रही है और इनके फैंस देखते ही रहे कि ये लोग एक दूसरे को अनफॉलो कर देते हैं, पिक्चर्स डिलीट कर देते हैं, बट इस दफ़ा इनका ऑफिशियली ब्रेकअप हुआ है, जिसके पीछे की जो रीज़न है, उमर भट्ट की फैमिली सोशल मीडिया लाइफ के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थी। ड्रामास में काम करना जन्नत को बिल्कुल भी अलो नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा था शादी के बाद मैं अगर कोई काम करती हूँ तो सिर्फ मैं उमर के साथ कोई प्रोजेक्ट करूँगी, इसके अलावा मुझे इजाज़त नहीं। और मैं खुशी से ये चीज़ एक्सेप्ट कर रही हूँ क्योंकि वो उमर को बहुत ज़्यादा लाइक करती थी और एक बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप में थी। जैसे कि इनके रिलेशनशिप में आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी लड़ाई हो रही थी और एक रिस्पेक्ट फैक्टर ख़त्म होता जा रहा था, जिस वजह से जन्नत मिर्जा को ये इतना बड़ा कम्प्रोमाइज़ करना, क्योंकि उनका इंटरेस्ट इस फील्ड में है, सो उनको ये कम्प्रोमाइज़ करना बिल्कुल भी वर्थ वाला नहीं लग रहा। मेकअप के कुछ अर्से के बाद जन्नत मिर्जा ने स्नैपचैट पे एक क्यू एन ए किया, जिधर एक फैन ने पूछा आपको कभी ड्रामा क्यों नहीं ऑफर हुआ, जिस पे उन्होंने बताया कि मुझे ड्रामास बहुत ऑफर हुआ है लेकिन मैं बहुत बेवकूफ़ थी कि मैं रिजेक्ट करी थी, पर अब ऐसा कुछ नहीं है, अब मैं सही से काम करूँगी और मुझे कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट आता है उसको मैं करूँगी। मेकअप के कुछ ही महीने के बाद उमर भट्ट ने भी इंस्टाग्राम पे एक क्यू एन ए किया, जिधर एक फ़ैन ने कहा कि आप लोगों का रिलेशनशिप भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला था, इसी वजह से नहीं चला, जिस पे उमर ने कहा कि मैं तो हमेशा से इस रिलेशनशिप को नहीं चाहता था, मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप को प्रमोट नहीं करता, मैं चाहता था कि हमारा निकाह हो, लेकिन लोगों ने बहाने लगाए कि अभी डिग्री कम्प्लीट होनी है, ये होना है, फिर निकाह करेंगे, और मतलब कि वो इनडायरेक्ट जन्नत को ही कह रहे थे। दूसरी बहन अलीशा पांजुम जो कि अगेन एक फेमस टिकटॉक स्टार है, 2018 में इनका फान मलिक टिकटॉकर के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था और 17 सितंबर 2022 को इन लोगों ने बहुत ही ह्यूज एक इंगेजमेंट की, जिसकी हर जगह वीडियोस पिक्चर्स वायरल हुई। उसके बाद लोग शादी का इंतजार कर रहे थे जब अफान मलिक ने अनाउंस किया कि वो टिकटॉक और ये सारी सोशल मीडिया के लाइफ को छोड़ गए, क्योंकि वो अंदर से खुश नहीं है, इंटरनली उनको सुकून नहीं और ऊपर ऊपर से खुश है सारी ग्लैमरस लाइफ से। इस ब्रेकअप के बाद फैंस को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और ब्रेकअप के कुछ ही देर के बाद इन लोगों का एक गाना आना था जो कि ऑलरेडी रिकॉर्ड हुआ हुआ था। सो उसके रिलीज़ के बारे में अफान ने तो कोई प्रमोशन नहीं किया, उन्होंने तो अनफॉलो और डिलीट कर दी हुई थी अलीशा के साथ सारी पिक्चर्स, लेकिन अलीशा ने एक तो पिक्चर लगा के पोस्टिंग वगैरह की और अपने सॉन्ग को प्रमोट किया। अलीशा दूसरी तरफ सभी कुछ कह रही है, उन्होंने बिल्कुल भी खुद को चेंज नहीं किया, वो टिकटॉक कर रही है, म्यूजिक वीडियोज़ कर रही है, और अफान इन सारी चीज़ों से पीछे हट के जिसकी वजह से इनका ब्रेकअप हुआ है। पर्सनली अगर ये लोग निकाह कर ले तो इनके लिए हर एक चीज़ हलाल हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फैंस को भी आई होप उम्मीद होगी कि ये लोग पैचअप कर लें और निकाह कर लें। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में ज़रूर बताइए। और सबसे बड़ी बहन साहिर मिर्जा जिनकी 2021 के लास्ट में एक ऑर्डिनरी से लड़के उमर मलिक के साथ बात पकी हुई थी और बहुत ही ह्यूज इवेंट हुआ था और ये एक पसंदीदगी थी, कोई अरेंज नहीं बल्कि लव मैरिज होने वाली थी, लेकिन साहिर मिर्जा का एक स्कैंडल आया था जिसमें इनकी कुछ पिक्चर्स वीडियोस लीक हुई थी, जो कि जन्नत और अलीशा ने केस भी लड़ा था और एट द एंड इन लोगों ने कहा था कि हम लोगों ने वो केस जीता है, और वो एक लड़का मेरी बहन को पसंद करता था, उसने ये पिक्चर्स फोटोशॉप की थी और वो झूठ बोल रहा था। सो खैर, लेकिन जिसके साथ साहिर मिर्जा की इंगेजमेंट हुई थी उसकी मंगनी टूटने की ये वजह उन्होंने बाद में बताई थी कि वो लड़का मुझे इतना सपोर्टिव नहीं लग रहा था और मुझे लग रहा था कि इस स्कैंडल की वजह से मुझे कल को उनके घर में कोई मसला हो सकता है। सो इसकी वजह से इन लोगों का आपस में ज़्यादा बना नहीं और ब्रेकअप हो गया। उसके कुछ ही अरसे के बाद उनकी अपने खाला के बेटे शेरान खान के साथ इंगेजमेंट होगी। शेरान खान सैफ खान का भाई और इनके साथ भी काफ़ी ज़्यादा ये लोग वीडियोज़ बनाती है, शादियों पर डांस भी करते थे और बहुत ही ह्यूज मंगनी हुई थी, लेकिन वो मंगनी भी ज़्यादा देर ना चल सकी और इन लोगों का ब्रेकअप हो गया, मंगनी टूट गई। उसके बाद ये लोग अपनी खाला के बेटों के साथ ज़्यादा वीडियोज़ भी नहीं बनाते, ईद पर मिलते थे वो भी नहीं मिलते। सो आप लोगों का क्या कहना, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।